मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का नाम दिलाने के लिए उनकी जयंती 13 जनवरी से प्रकल्पग्रस्तों की परिषद होने वाली है। आज सर्वपक्षीय जो संघर्ष समिति उसके जो मार्गदर्शक हैं रामसे ठाकुर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या 13 जनवरी को दीपा पाटिल साहब की जयंती के दिन किस तरह का परिषद होगा, उसमें क्या विषय रखे जाएंगे? दीपा पाटिल साहब की जयंती हर साल 13 जनवरी को हम मनाते हैं, यही दीपा पाटिल हॉल में मनाते हैं। उनके घर पे जाके पहला पुष्पार अर्पण करते हैं प्रतिमा को, ये साल भी वहाँ जाने वाला है। वहाँ से आके इस हॉल में दीपा पाटिल हॉल में यहाँ भी हम पुष्पार बनने वाले हैं। उसके बाद में जैसे गांव जो है जिनका जन्मदिन है, जन्म गाँव है, वहाँ एक स्टैचू दीपा पाटिल साहब का जिदा माता हॉस्पिटल के पास बैठने वाला है, वहाँ हम लोग सब नमन करने के लिए उसके लिए जाने वाले हैं। और उसके बाद में 3 बजे कोलीकोपर गांव के पास में दत्त मंदिर के पास दीपा पाटिल साहब के जन्मदिन के लिए, जन्मदिन के ऊपर प्रकल्पग्रस्तों का जो जो सवाल है, जो तकलीफ है वो, और दीपा पाटिल का नाम देने के लिए एयरपोर्ट को, इसके लिए वहाँ कुछ ठहराव होने वाला है और उसके लिए एक परिषद उधर होने वाले है। उस परिषद में किस तरह की रणनीति रहेगी ताकि सरकार और सिडको इन मुद्दों के समाधान के लिए काम? देखो, हमारा जो सिडको के अगेंस्ट लड़ाई है, दीपा पाटिल साहब ने जन्म भर लड़ी, कम से कम उनके हयात में 70 में जब सिडको पहले दिन इधर आया, ठहराव हो गया, सिडको की स्थापना हुई, उस दिन से लेकर 2013 तक, मतलब 43 ईयर्स उन्होंने सिडको के अगेंस्ट लड़ाई किया, महाराष्ट्र शासन के अगेंस्ट भी लड़ाई किया। तो इतने साल की वो लड़ाई है, ये कभी भी लड़ाई एक दो दिन में, एक दो महीने में ख़त्म नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट रहते हैं ना, वो उनके दिमाग में कुछ अलग ही रहता है। लेकिन हम लोगों ने दीपा पाटिल साहब से सीखा है, समझा है कि जब तक हमारा विजय न होता तब तक लड़ाई लड़ता रहने का। हमारी मांगे जो है, पीएपी लोग जो है, स्थानिक लोग है, प्रकल्पग्रस्त जो है, गांव वाले, उनको जो तकलीफ है आज सिडको की वजह से तैयार हुई, तो इस पर से मार्ग निकालना, उसके लिए झगड़ते रहना। और हमको पता है कि उनका नाक दबाने तक का मतलब मुंह खुलेगा नहीं, इसके लिए उनका काम बंद करने का अगर बारे में आएगा तो भी हम वो भी काम करेंगे। एक दिन में ऐसा, एक दिन में कोई भी होने वाला नहीं, स्टेप स्टेप में जरूरत पड़ेगा उस तरह से हम आंदोलन करते रहेंगे। 27 गांव प्रकल्पग्रस्त बाधित समिति है, उसने कहा है कि अगर नहीं न्याय मिला तो 24 तारीख के बाद काम बंद आंदोलन होगा। आपको लगता है कि अब सिडको के साथ अब आखिरी विकल्प यही बचा है? बात सही है, अगर 13 तारीख को हम जब परिषद ले लेंगे तब एक पर्टिकुलर टाइम देना है, जैसा लास्ट टाइम दिया था वैसा। अभी उसके बाद में भी सरकार एक एक पाव आगे आती है, सडनली हमारा मानने को तैयार नहीं। लेकिन जो गाँव वालों के लिए, पीएपी के लिए अगर ठीक तरह से ऐसा प्रोसीजर आया, ऐसा लगता है, तो कमेटी बैठेगी, उसके ऊपर सोचेगी और आगे का निर्णय लेगी। आखिरी सवाल सर, प्रकल्पग्रस्त जो हैं उनका अब एक तरह से उनका जो आत्मविश्वास है या जो उनका भरोसा है वो कहीं ना कहीं कुछ कमजोर दिख रहा है, कि उन्हें लग रहा है कि शायद दीपा पाटिल साहब का नाम एयरपोर्ट पर नहीं दिया जाएगा, या सिडको और सरकार उस बारे में कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, इसका इंडिकेशन दिख रहा है। क्या भूमिका आने वाले समय में जो संघर्ष समिति है उसकी रहेगी? दीपा पाटिल साहब जो हमारे नेता है, जिनका हम नाम देना चाहते हैं, दीपा पाटिल साहब ने 1970 में एक कमेटी स्थापन किया, उसका नाम था जमीन बचाओ समिति। क्या था? जमीन बचाओ समिति। जमीन बचाओ नहीं हुआ, पाटिल साहब फेल नहीं हुए, मतलब इसका मतलब जमीन बचाओ नहीं हुआ, इसका मतलब पाटिल साहब फेल नहीं हुए। उसका बाद में 5 साल के बाद उसका पुनर्वसन समिति हो गया, क्योंकि जमीन बचा नहीं सकते, गवर्नमेंट है आखिर, हम देश के नागरिक है, वहाँ भी खासदार जो है, यहाँ जो आमदार जो है, तो जो विधानसभा में जो होता है वो हमको नहीं पड़ गया तो हम जान देंगे, लेकिन हम ये नहीं कर हम करेंगे, ऐसा नहीं हो जाता। तो इसके लिए दीपा पाटिल साहब ने पुनर्वसन समिति किया और झगड़ते झगड़ते 40 साल में बहुत सारे मामले हासिल कर दिया। हमको एक सिखाया, अपनी अस्मिता है, हम लोकल है, हमारा हक है, ये हमको मिलना चाहिए, वो हमको सिखाया, वो रास्ते से हम जाएंगे और हमको जो चाहिए वो हम हासिल करेंगे। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से दीपा पाटिल साहब ने जो सबक दिया है कि अपने अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते रहो और जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता, हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रकल्पग्रस्तों को न्याय मिलेगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।